दोस्तों 25,000 प्राइस के अंदर तो बहुत सारे फोन आ जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको फोन बताऊंगा ना, इस फोन के अंदर वीडियो बनाने के लिए सबसे बढ़िया DSLR कैमरा, ज्यादा टाइम तक फोन को चलाने के लिए 6000 एम्पेयर की बैटरी और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट और 67 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, गेमिंग करने के लिए एक अच्छा स्नैपड्रैगन का और डायमंड सिटी का बढ़िया प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। ये सारी चीजें देखकर आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 5 फोन बताए हैं, तो ये 5 फोन के अंदर आपको सारे फीचर्स ये मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है नंबर 5 फोन की, ये है ओप्पो F25 Pro। ओप्पो का ये फोन है कैमरे के लिए, अगर आपको रील्स वगैरह बनाना और कैमरे के लिए फोन को ज्यादातर यूज करना चाहते हो तो ये फोन एक बहुत ही बेटर चॉइस रहेगी। और इस फोन के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं ना, आप भी सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है पांडा ग्लास के साथ, इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। देखो सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फोन को जब चलाओगे तो फोन बहुत ही स्मूथ चलेगा। और यहाँ पर हमें एंड्रॉइड वर्जन 14 मिलता है, इसका लेटेस्ट वर्जन है और फोन के बीच में आपको अपडेट भी आती रहेगी और नया वर्जन है, ठीक है। नए वर्जन वाला फोन यूज करोगे तो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। और ये फोन में बैक की साइड में आपको 3 कैमरास मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 कैमरास मिलते हैं। इन 3 कैमरास से आप 4K में वीडियो बना पाओगे 30fps में, 1080 में वीडियो बनाओगे 30fps, 60fps, 120fps में बना पाओगे। और सेल्फी का कैमरा बहुत ही ज्यादा बेटर मिलता है, और सेल्फी का कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है। 4K वीडियो आप सेल्फी के कैमरे से बना सकते हो, जो कि बहुत ही बेटर चॉइस है। 30fps में बना पाओगे, बैक के कैमरास और सेल्फी के कैमरे में आपको सेम वीडियो बनाने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इस फोन में 8GB की रैम मिलती है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। देखो 23,999 रुपीज का मिलता है, 24,000 में डील बहुत अच्छी है, तो जरूर आप इसको एक बार चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। नंबर 4 पे आता है Realme Narzo 70 Pro। तो Realme का ये 2024 का लेटेस्ट फोन है, नया फोन है, तो नए फोन के बाईस दोस्तों अभी वर्जन भी इसमें एंड्रॉइड वर्जन 14 मिलता है। इस फोन के अंदर 6.67 इंचेस की एक डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ प्रोवाइड की गई है। अगर इसमें देखोगे तो FHD+ डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, इसके बीच में 5000 एम्पीयर की बैटरी है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। और ये फोन आता है 8GB रैम के साथ, 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हो, गेमिंग करने के लिए फोन अच्छा रहेगा या नहीं, और इस फोन के अंदर गेमिंग करने के लिए एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, इसमें डायमंड सिटी 7050 का एक बढ़िया चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। और ये 5G फोन है, और इसके बीच में आपको सेगमेंट का फर्स्ट फ्लैगशिप सोनी के कैमरास इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, और सोनी के OIS कैमरास के साथ ये फोन आता है। रियलमी का है और OIS सोनी के कैमरास इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, कैमरे के लिए भी बहुत अच्छी, आप यहाँ पर 4K वीडियो बना पाओगे। अगर ये फोन अच्छा लगा तो 20,000 रुपीज में परचेज कर सकते हो, 20,000 में बहुत अच्छी डील है गाइस। 20,000 में, 25,000 का मैंने बताना था लेकिन 20,000 प्राइस का मैंने ये ऐड किया है। इसके अंदर वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ मुझे अच्छा लगा, तो आप इसको जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर ये फोन अच्छा लगता तो परचेज कर लो, नहीं तो नेक्स्ट आपके लिए एक चॉइस रखी है। और उस फोन के अंदर भी दोस्तों इससे भी बेटर फीचर है, अगर आपने गेमिंग करने के लिए एक फोन लेना है, गेम वगैरह खेलना है, तो ये वाला फोन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों ये है IQ Z9 5G। जी हाँ, IQ के फोन PUBG खेलने के लिए और BGMI खेलने के लिए बहुत ही बेटर दोस्तों ऑप्शन रहती है, और इस फोन के अंदर भी वही चीज हुई है। और यहाँ पर 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फुल HD AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, और ये फोन आता है 18,000 नाइट्स लोकल पीक ब्राइटनेस के साथ। सो कि इसकी जो ब्राइटनेस की दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, डिस्प्ले की इसके अंदर 5000 एम्पीयर की बैटरी है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है। देखो लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए इसमें बैटरी भी बेस्ट मिलती है, और वीडियो बनाने के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 4K वीडियो आप बना सकते हो ये वाले फोन के साथ, और 4K वीडियो बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फोन है। इसके अंदर भी सोनी के OIS कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं, सोनी के कैमरास मिलते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट आपके लिए चॉइस है, कैमरे के लिए भी है और गेमिंग करने के लिए, दोनों चीजों के लिए एक अच्छी चॉइस है, ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आता है दोस्तों 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये मिल जाएगा 21,999 रुपीज का, 22,000 का फोन है, 22,000 के अंदर बहुत अच्छी डील है, तो जरूर आप इसको एक बार चेकआउट करना। तो गाइस सेकंड नंबर पे फोन आता है IQ Z7 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये IQ का फोन है और ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अंदर जो बैक की साइड में देखोगे तो बहुत ही यहाँ पर आपको बढ़िया सी फिनिशिंग मिल जाती है, और फोन का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर IQ Z7 Pro 5G के अंदर फीचर की बात करते हैं, ये 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, इसमें 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों गेमिंग करने के लिए एक 4nm का MediaTek Dimensity 7020 का प्रोसेसर दिया गया है। गेम आप इसमें बहुत अच्छी खेल पाओगे। 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 4K वीडियो सपोर्ट करने वाले इसमें कैमरास दिए गए हैं। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के कैमरे से OIS कैमरास हैं, जो कि वीडियो बनाने के बीच में बहुत अच्छी, और जूम करके वीडियो बनाओगे तो पिक्सल फटेगी भी नहीं। इसके अंदर 4600 एम्पेयर की बैटरी दी गई है, 4600 एम्पेयर की बैटरी है और 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर एक्सटेंडेड रैम का आपको ऑप्शन मिलता है। 8GB रैम को आप 16GB रैम की बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, वैसे ऑल ओवर हर फोन के अंदर अभी ये आ चुका है। अगर ये फोन आपको अच्छा लगा तो ये परचेस कर सकते हो 22,999 रुपीस का, 23,000 रुपीस में बहुत अच्छी डील है, पूरा 25,000 का भी नहीं है। अगर बैंक का ऑफर लगाओगे तो फिर आपके 1,500-2,000 और आपके लेस हो जाएंगे, तो यही फोन आपको 21,000 का पड़ जाएगा। तो डील बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको चार फोन बता दिए हैं, लेकिन अभी ये चार फोन के बीच में अभी नंबर वन पे जो फोन आया ना, ये है OnePlus का OnePlus Note CE 4। एक है OnePlus Note CE 4 Lite। ये दोनों फोन के कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ। देखो ये दोनों फोन के बीच में बस प्रोसेसर का दोस्तों थोड़ा फर्क है और यहाँ पर कैमरे का फर्क है, ठीक है। OnePlus Note CE 4 है, इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 7 जनरेशन का प्रोवाइड किया गया है प्रोसेसर। देखो गेमिंग करने के लिए 7 जनरेशन का मिलता है OnePlus Note CE 4 में, जो कि 25,000 में मिल रहा है। और OnePlus Note CE 4 Lite 5G है, ये फोन में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर मिलता है। देखो गेमिंग करने के लिए OnePlus का फोन परचेस करना चाहते हो, कैमरे के लिए परचेस करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप दोस्तों यूज कर सकते हो। देखो जो OnePlus का CE 4 फोन है उसके अंदर 4K वीडियो बना सकते हो, और CE 4 जो लाइट है उसके अंदर 1080 वीडियो बना सकते हो। कैमरे के बीच में यही आपको पिक्सल मिलते हैं। ये दोनों फोन के जो प्राइस है दोस्तों 25,000 और 20,000। मैं आपको सजेस्ट करूं कि 20,000 वाला आप परचेस करो अगर OnePlus का ही लेना है। और ये पांच फोन के बीच में सबसे बेस्ट फोन आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और आज की वीडियो को आप जितना हो सकता है दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि 25,000 प्राइस के अंदर मिलने वाले 2024 में जो नए फोन थे वही मैंने आपको बताए हैं। देखो दोस्तों और कोई फोन अगर परचेस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा भाई दिक्कत भी हो सकती है, अलग भाई ब्रांड का फोन परचेस करोगे तो दिक्कत भी होती है। और ये जो फोन मैंने आपको बताए हैं ये पूरे डिटेल वाइज मैंने चेक किया है, तो लोगों ने ज्यादा इसके लिए बढ़िया रिव्यू दिए हैं, लोगों को अच्छा भी लगा चलाकर, एक्सपीरियंस लोगों का बहुत बढ़िया रहा है, लोगों ने शेयर किया है। तो ये फोन के बीच में, ये पांच फोन में कोई भी फोन परचेस करो तो फोन को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर लिंक सारे प्रोवाइड किए हुए हैं, वहां पर सारे फोन मैंने आपको मेंशन किए हैं, तो जो फोन अच्छा लगता है परचेस कर लो। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।